इसमें करिकुलम के अंदर कोर्सेज में टीचर्स को हमने रिक्वेस्ट किया कि वो ज़रूर असाइनमेंट्स दे दीजिए था, जैसे आज का उसमें भी उसको कह के एक असाइनमेंट स्टूडेंट को दे दे कि वो सारे किताबें दे के उस पर एक नोट लेके कि कौन कौन सी किताबें अवेलेबल है। तो आपका ये बात बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी की वजह से अब जो फिज़िकल किताबें हैं, प्रिंटेड किताब, उसका शौक कम हो गया। लेकिन अभी भी अगर देखें आपकी बुक सेलर्स और नंबर ऑफ प्रिंटिंग जो बुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया प्रिंटिंग, तो इसका मतलब ये है कि शायद दुनिया में और जगहों में लोग किताबें अभी भी पढ़ते, ये सिर्फ हमारे सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा कम हो गया। तो ये भी एग्जीबिशन भी इस वजह से है कि ये जो ट्रेडिशन था पुरानी उसको दोबारा वापस ला के स्टूडेंट यंगस्टर को स्पेशली इसी पे लगा दी कि वो किताब पढ़ने का जो शौक दोबारा जो पहले था उसी तरह वापस उसको ले आए हम इस सोसाइटी में। लाइब्रेरी के लिए भी इसमें शायद इसका होगा शायद 2 मिलियन से लेके 4 मिलियन तक इसमें हम खुद भी परचेज करेंगे, बजाय कि हम जाके टेंडर दे दें और फिर उसमें प्रोसेस हो इररिलेवेंट बुक्स आ जाए। तो टीचर्स को सबको रिक्वेस्ट किए कि वो जाके सिलेक्शन करें खुद, फॉर्म हुआ अवेलेबल है, लाइब्रेरियन स्टाफ ने बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से, तो हम खुद भी उसमें किताबें खरीदेंगे और काफ़ी जो है लाइब्रेरी का जो हमारे इस साल का वो होगा इंशाल्लाह बजट, वो हम बहुत इफेक्टिव तरीके से